हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। मैं और मेरी वाइफ पल्लवी अभी हम दोनों जा रहे हैं होंडा बिग विंग्स। हालांकि कल मैं गया था, बुकिंग अमाउंट दे के आया हूँ, बट अभी गाड़ी हम लोग जाके फाइनल करेंगे। होंडा CB 300F बुक करनी है, हाइनस बुक करनी है या फिर CB 300 RS बुक करना है, 350 RS। वाइफ को बिठा के एक बार फिर से होंडा F300F की टेस्ट ड्राइव फिर से लेंगे और दोनों गाड़ियों की भी लेंगे, हाइनस और 350 RS का, जो लॉन्ग राइड में थोड़ा सा पसंद आई कि जिसकी राइडिंग और कंफर्टेबल जिसका ज़्यादा होगा वो बुक करेंगे, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर प्लान तो वही है, एक गाड़ी में ट्रैवलिंग हम लोग ज़्यादा किया करेंगे। रेड होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है और ब्लू ओवरऑल करता है रेड, लेकिन वाला रेड ज्यादा अच्छा लगा इससे, जो होंडा एफ में जो है वो दोनों से अच्छा, ये लाइट के कारण हो सकता है अभी थोड़ा सा। हाँ, तीनों का सेम रहता है, ये फरारी रहता है। अच्छा, ये नया वाला जो लेगेसी एडिशन जो है इसका कुछ प्राइस ज़्यादा है क्या? हाँ, ये क्रोम कर दिया, दे दिया है, रात में जंगलीदार है, ये फॉग बूट लगा के दे दिया है, डबल हॉर्न दे दिया है, क्रोम का बस एक आइटम। अच्छा, और इसमें अपने को सिंगल हॉर्न मिलेगा, वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये कलर कैसा लग रहा है? सिंगल ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, यही वाला ये है, ये तो सदाबहार। इसमें तीन वेरिएंट आते हैं ना कि दो आते हैं? इसमें एक ही है, दो है, मतलब इसका बोल सकते हैं एक में बिना ब्लूटूथ और रेड वाले में ब्लूटूथ। हाँ, और रेड वाले में ब्लूटूथ। अच्छा, सिंगल चलता रेड में, ये भी अच्छी लग रही है क्या? ज़्यादा हाँ, लुक्स तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव है उसका, चलने में दोनों सेम ही है, बस वो सेटिंग पोस्चर उसका थोड़ा सा। आप किसको चला कर देखे थे? दोनों को चलाया हूँ, दोनों में सिर्फ हैंडल का फर्क है। हाँ, हैंडल का हैंडल अपने को चाहिए तो फ्यूचर हैंडल भी चेंज कर। अभी हम लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं CB 300 RS। हालांकि इसका टेस्ट ड्राइव हम लोग ने लिया था घर पे, याली गाड़ी आई थी और अभी इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है ये फाइनल होगी RS। ये जिस कस्टमर की है उसका टैग लगा हुआ है। मेरे लिए है, तेरे को है ना? पीछे एंड तक आ गया तो अभी और देख, सीधा होके देख ऐसा पीछे, मतलब और खिसकने वगैरह की जरूरत पड़ रही है ऐसा कुछ लग रहा है? कंफर्टेबल है ना? एकदम कम जगह है, नहीं है। हाँ, वैसा ही नहीं होना चाहिए, एकदम कम जगह है। वीडियो चालू किया है क्या? कंफर्टेबल है? हाँ, नहीं वो किसका दुखता है जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे झुकना पड़ता है ना, एकदम हैवी लगती है।
जहाँ तक चलते हैं। नहीं नहीं ऐसा ही है, साउंड अच्छा लग रहा है मेरे को तो गाड़ी का। ये CB300 RS। ये वाली ना एकदम बड़ी बाइक थी, आपके ऊपर अच्छी नहीं दिखी थी बॉडी वाइज। हाँ बॉडी तो बन जाती है। बॉडी वाइज मतलब वो नहीं, तो बॉडी मतलब गाड़ी की बॉडी पे एकदम कपड़ी बाइक तो अच्छी नहीं। तो फाइनली हम लोग ने दो गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव, एफ का तो पहले भी हम लोग ने लिया था, वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, और अभी पहले लिया था 300 CB 350 RS। एक तो जो पिकअप और जो स्मूथनेस मुझे एफ में मिली थी 300F में, उतनी स्मूथनेस इसमें नहीं थी, हल्की सी वाइब्रेशन थी इसमें। थर्ड गियर में जैसे पिकअप ले रहा था तो उसमें थोड़ा सा मुझे लैगिंग लग रहा था, अगर 30-40 की स्पीड में हूँ मैं और फिर पिकअप दे रहा हूँ थर्ड गियर में या फिर फोर्थ गियर में, तो थोड़ा सा लैगिंग हो रहा था जो कि 300F में नहीं था, वो स्मूथली पिकअप ले ले रहा था। और उसका पिकअप तो खैर अच्छा ही है, स्पोर्ट्स काइंड ऑफ व्हीकल है वो। और पिलियन का एक्सपीरियंस भी होंडा 300F में काफ़ी अच्छा था, मेरी वाइफ ही बैठी थी पीछे। तो F में क्या था, मेरी वाइफ जो है वो अगर स्ट्रेट भी बैठ पा रही थी, लॉन्ग ट्रिप में अगर जाते हैं कमर दुखती है, कमर सीधी भी थी अगर बैठना चाहे तो स्ट्रेट भी बैठ पा रही थी इजीली। और थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा सा लीन होना है जो होता ही, हालांकि वो थोड़ा सा लीन होके भी बैठ सकती थी, बैठ पा रही थी इजीली। और मेरे हेड और मेरी वाइफ के हेड में थोड़ा सा गैप था, जिसमें क्या दोनों अगर हेलमेट पहन के बैठे हैं ब्रेकिंग के टाइम में दोनों के साथ टकराएंगे नहीं, जो कि RS जो थी उसमें दोनों के हेड बहुत पास में थे और एनी टाइम उसको मेरे ऊपर लीन होके ही बैठना पड़ रहा था क्योंकि उसकी सिटिंग पोजीशन वैसी थी, और मेरी सिटिंग पोजीशन भी RS में थोड़ी सी लीन होके बैठना पड़ रहा था, हल्का सा झुक के बैठना पड़ रहा था। एफ में भी बैठना पड़ता लेकिन उसमें उतना पता नहीं चलता जितना कि इसमें पता चल रहा था, और बस मेजर डिफरेंस वही है सीटिंग का। चलने में RS भी अच्छी थी लेकिन चलाने में जो फील और जो मज़ा एफ में आया वो उतना RS में नहीं आया, तो इसलिए फिर फाइनली जो है वो RS को कैंसिल किया और एफ को हम लोग ने बुक कर दिया CB300F। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक बोल रहे हैं डिलीवरी मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू व्लॉग होंगे उस पर। एंथुजियास्टिक राइडर 2.0।